नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना द लक्ष्मी किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी टमाटर की सब्जी प्रेशर कुकर में। तो आइए देखते हैं कि प्रेशर कुकर में यह लौकी टमाटर की सब्जी झटपट कैसे बनाया जाता है और इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है। इसके लिए मैंने लिया है एक लौकी जिसको मैं क्यूब्स में काट ली हूँ, एक चम्मच तेल लिया है मैंने, आप इसकी जगह पर घी बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चम्मच धनिया बारीक कटी हुई, एक मध्यम आकार का प्याज बारीक कटी हुई, तीन टमाटर लिया है मैंने इसको बारीक काट लिए हैं, एक चुटकी हींग तड़का के लिए, लाल मिर्च, खड़ा मिर्च, दोस्तों ये ऑप्शनल है, इसकी जगह पे आप हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक छोटी चम्मच मसाला एक छोटी चम्मच सब्जी मसाला, एक छोटी आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक छोटी आधी चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। दोस्तों, सबसे पहले हम अपना प्रेशर कुकर गरम कर लेंगे। हम इसमें ऑयल डाल देंगे, तेल डाल देंगे। जब तेल हीट हो जाएगा, तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे जीरा और हम डाल देंगे इसमें हींग। हींग जिसे कि तड़के वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो हम डाल देंगे लाल मिर्च, आप इसके जगह पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। दोस्तों, जब ये थोड़ा सा सॉल्टी हो जाए, मतलब थोड़ा सा फ्राई हो जाए, तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट ताकि साथ में भी फ्राई हो जाए, लहसुन का पेस्ट ताकि ये साथ में फ्राई हो जाए, इसको ब्राउन होने तक, हम प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें मसाला डाल देंगे, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अब इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए ये देखिए मसाला हमारा भून गया है, जब मसाला भूनने लगे तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। इसके बाद हम नमक डाल देंगे इसमें। दोस्तों, टमाटर डालने के बाद नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाता है। थोड़ी देर जब टमाटर पक जाए तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई लौकी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, वैसे इसमें इस सब्जी में पानी नहीं मिलाते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी खानी है तो थोड़ा पानी मिला सकते हैं, क्योंकि लौकी अपने आप में पानी छोड़ता है। अब हम इसको लीड से ढक देंगे और तीन सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा तीन सीटी कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों देखिए, प्रेशर कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया है, देखिए देखिए सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें देखिए हम पानी नहीं मिलाए थे, लेकिन देखिए इसमें ग्रेवी भी सफिशिएंट मात्रा में है। अगर आप चाहिए तो इसको और सुखा सकते हैं, और ग्रेवी खाना है तो
आप ग्रेवी खा सकते, देखिए बिना पानी के कितना लजीज सब्जी बना है। तो दोस्तों आइए देखिए, टमाटर लौकी की सब्जी प्रेशर कुकर में बना के बिल्कुल रेडी है। इसको हम धनिया से ऐसे गार्निश कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए ये सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल लजीज सब्जी रेडी है। तो मेरा ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक मेरा चैनल द लक्ष्मी किचन को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।